फ्रांस की एक सरकारी एजेंसी ने आईफोन 12 को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है, जिसकी माने तो आईफोन 12 बाकी फोन की तुलना में ज्यादा रेडिएशन फैला रहा है। इतना ही नहीं, ये दावा करने के साथ ही कंपनी की ओर से एप्पल से आईफोन 12 में इस गड़बड़ी को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा गया है। एजेंसी की ओर से ज्यादा रेडिएशन की बात कहते हुए एप्पल को फ्रांसीसी बाजार से आईफोन 12 को वापस लेने का आदेश दिया गया। एजेंसी की ओर से आदेश देते हुए बताया गया कि आईफोन 12 के संबंध में सुधार के जो भी कदम उठाए जाएंगे उनकी वो निगरानी करेगी, और यदि ये कारगर नहीं पाए जाएंगे तो पहले ही बेचे जा चुके फोन एप्पल को वापस लेने होंगे। हाल ही में आईफोन 12 समेत 141 मोबाइल फोन की विद्युत चुंबकीय तरंगों को लेकर जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि हाथ में या जेब में रखे होने की स्थिति में फोन के परीक्षण के दौरान विद्युत चुंबकीय ऊर्जा अवशोषण 5.74 वाट प्रति किलोग्राम था, जो यूरोपीय संघ के 4 वाट प्रति किलोग्राम के मानक से अधिक है। आईफोन 12 बाकी फोन की तुलना में ज्यादा रेडिएशन फैला रहा है। फ्रांस के इस दावे पर अमेरिकी कंपनी एप्पल की ओर से कहा गया, आईफोन 12 को कई अंतर्राष्ट्रीय निकायों से प्रमाणित किया गया है तथा यह दुनिया भर के विकिरण के मान्य विनियमों और मापदंडों पर खरा उतरता है। उसने कंपनी और तृतीय पक्ष की प्रयोगशालाओं के किए गए विभिन्न परीक्षणों के परिणाम फ्रांसीसी कंपनी को सौंपे हैं। फिलहाल फ्रांस के इस दावे से एप्पल कंपनी को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।